नमस्कार, मैं हूं वसंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर मुगल काल के जहांगीर अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे अकबर सलीम के नाम से पुकारता था और लौट प्यार में उसे शेखू बाबा कहता था, उसी शेखू बाबा सलीम जहांगीर जब 1680 में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी पर आक्रमण करने गया, उसी समय अहमदनगर के विजय पर अकबर ने सलीम को जहांगीर की उपाधि दिया था। ठीक है, आइए मुगल काल के कुछ अनछुए पहलू महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, अकबर ने दीने इलाही के बाद दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और जब अकबर की दक्षिण विजय की बात हो रही है, बस तीन स्टेट था, अहमदनगर, खानदेश, असीरगढ़। ये विजय 1601 में, अहमदनगर 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये पहला खानदेश पर आक्रमण जब किया तो जो सबसे पहले किया वो 1595 में। ये अकबर के दक्षिण नीति की शुरुआत हो रही है जी। अकबर के ये तीन, अहमदनगर में कौन था भाई? चांद बीबी। ध्यान देना, शासिका चांद बीबी और अकबर ने इस किसको भेजा था? सलीम को। सलीम और चांद बीबी के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ 1600 ईस्वी में। ध्यान देना, अकबर ने दो महिला शासकों को पराजित किया था, एक ये हो गई चांद बीबी और दूसरी हो गई 1564 में गढ़कंडिका का रानी दुर्गावती। दो महिलाओं को पराजित किया अकबर ने, एक चांद बीबी, एक रानी दुर्गावती। ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए फैक्ट आपके सामने है। 1664 में गढ़कंडिका ईरानी और जो है दूसरा अहमदनगर महाराष्ट्र चांद बीबी को प्रेरित किया। खानदेश का नाम धन देश रखा और सोने के चाबी से दरवाजा खोला। असीरगढ़ अकबर का आखिरी विजय था, असीरगढ़ 1601 में। 1601 के बाद अकबर ने युद्ध की नीति जो है घोष की नीति बंद कर दी और केवल जो है प्रशासन पर ध्यान दिया। ठीक है ना, अकबर के समय ही 1600 ईस्वी में जो घटना घटा, देखिए, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ईआईसी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, जबकि डच कंपनी जो है 1602 में आई अकबर के समय। ठीक ना, तो ये दो कंपनियां जो है अकबर के समय आई, अकबर से मतलब है यहां अकबर के समय दो कंपनी आई। गुड इवनिंग,
ठीक ना। उसके बाद जो घटना घटा वो घटना देखिए आप क्या क्या हो रहा है। 1602 ईस्वी में क्या हुआ, वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है? बैटरी थोड़ी लो हो गई थी। ठीक है, अबू फजल आयने अकबरी, आयने अकबरी का एक तीसरा भाग ये नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। आईने अकबरी का तीसरा भाग राजस्व व्यवस्था संबंधित था। ये ध्यान दीजिए, अकबरनामा में क्या वर्णन है जी, अकबरनामा में क्या है, ठीक है ना। राजस्व व्यवस्था तीसरा भाग, एक एक महत्वपूर्ण जज जो सिविल आईएएस में पूछा हुआ था ये प्रश्न, ध्यान दीजिए, आईने अकबरी का ही है। अकबरनामा में अमेरिका के खोज का वर्णन है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। अकबरनामा में यह वर्णन मिलता है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो है मुगल काल का,
कि किस किताब में अमेरिका मुगल कालीन किस किताब में अमेरिका के खोज का वर्णन है, अकबरनामा में, ठीक ना। अकबरनामा में दीन इलाही का उल्लेख है जिसे अबू फजल ने तौहीद इलाही कहा था, क्योंकि मुख्य पुरोहित था अबू फजल, ठीक है। अकबरनामा में दीन इलाही अर्थात तौहीद इलाही का उल्लेख है। तौहीद इलाही का उल्लेख मिलता है चीज। ध्यान दीजिएगा संदीप कुमार जी, सोनू जी ध्यान दीजिए, तौहीद इलाही जिसको फर्ज ए इजदी कहा गया है, फर्ज ए इजदी कहा गया है। सभी धर्मों का सार था दीन इलाही, सुलह कुल की नीति था दीन इलाही में, ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया के विचारों से समाहित था, सबके साथ समानता की नीति। इतिहासकारों ने इसमें कहा उसमें रेनेसा था, नानक की कबीर की बाणी इसमें मुखरित हो रही थी, मानवतावाद का धर्म था, लेकिन केवल 18 लोगों ने इसे स्वीकार किया था, उसमें केवल एक हिंदू बीरबल ने स्वीकार किया, मान सिंह भगवान दास ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं स्वीकार करूंगा, बहुत बड़ी बात है राजा के सामने ये कहना, ठीक ना। राजस्व का मतलब है जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त होता है, भूमि से वो राजस्व संहिता है, रेवेन्यू जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, ठीक ना। अकबर ने जो बनाया था उस समय रेवेन्यू, जो दीवान होता था वो देखता था संदीप जी, ठीक ना। अर्थव्यवस्था जो टोडरमल का था, 10 साल व्यवस्था, 10 साल के लिए राजस्व स्थिर कर दिया, वही फिर बाद में आपका स्थायी बंदोबस्त हुआ, स्थायी बंदोबस्त के नाम से वही फिर चालू हुआ, ठीक ना। आकाश जी राम राम, ठीक है संदीप जी। एक चीज और ध्यान देना, लिख लो माल, माल शब्द कई बार पूछ चुका है, राजस्व की बात आई तो यहां अच्छी बात कर दी आपने, माल शब्द पूछा था एक बार, ये माल क्या है, आपने देखा होगा कि माल गोदाम, भाई सब इस्लाम से संबंधित थे, केवल एक हिंदू बाकी सब तो वही थे, उन्हीं के अनुचर, बस एक हिंदू था बाकी सब इस्लाम से, और कौन जाएगा वहां, किसी बौद्ध ने स्वीकार नहीं किया, क्यों आएंगे भाई। अब बीरबल का बहुत अकबर मानता था, प्रिय कवि उनका मित्र था, दोस्त था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अकबर के मरने के बाद समाप्त हो गया। हाँ जी महेश दास उन्हीं का नाम था, भगवान दास ने परिचय कराया था, रीवा के रहने वाले थे, जो है तांबूल बेचते थे पान, और जो है हाजिर जवाबी में जो है माहिर थे, उस दिन चर्चा हुआ था काफी इस पर, ठीक है। माल जो है राजस्व विभाग से संबंधित है, इसको नोट कर लीजिए, राजस्व माल करते हैं राजस्व, माल विभाग राजस्व विभाग, ठीक ना। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। और अकबर पहला शासक था जिसने जो है अनुवाद विभाग बनाया,
अनुवाद विभाग। लीलावती नाम सुना होगा, लीलावती गणित का पुस्तक है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। एक बार नोट कर लीजिए, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद अनुवाद फैजी ने किया, ठीक ना, फैजी ने किया। रामायण का बदायूनी ने, बदायूनी ने। एक चीज और बात है, अकबर को विधर्मी कहा था बदायूनी ने, ये भी नोट कर लीजिए। अकबर को विधर्मी कहा जी, दीन इलाही कारण विधर्मी कहा किसने? बदायूनी ने। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक ना। बदायूनी ने एक बात कहा था हल्दी घाटी के युद्ध में कि मेरी इच्छा है, ध्यान दीजिए, बदायूनी ने कहा था मेरी इच्छा है कि मैं राणा के खून से अपनी मूंछों को रंगूं। इच्छा तो पूरी हो नहीं सकी, ये बात कहा था यही बदायूनी ने। मेरी इच्छा है मैं कि राणा के खून से अपनी मूंछों को रंगूं, ठीक ना। मैं टीएन क्लासेस से पढ़ा रहा हूं जी, एक जो है कछुआ में है, मिर्जापुर में, ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां अनुवाद विभाग में बाबर ने लिखा जो ग्रंथ, दो ही लोगों ने ग्रंथ लिखा, वैसे तो और मुगलों ने लिखा, बहुत ही विद्वान था एक, जो उनका पुत्र था, क्या कहते हैं उसको जी, औरंगजेब ने मरवा दिया जो अपने भाई को, दारा शिकोह, ठीक है। तो बाबर रामा खते बाबरी जो है तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा, उसको फारसी भाषा में जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक ना। ठीक ना, कछुआ मिर्जापुर से, ठीक ना, कछुआ बाजार है एक मिर्जापुर में, बनास से सटा हुआ, इधर वही ये सेंटर चल रहा है। अनुवाद विभाग के बाद अकबर ने, क्योंकि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, किसी दिन करूंगा, चित्रकला विभाग की स्थापना की। उसमें एक दो थे जो हुमायूं लेकर आया था, मीर सैयद अली, और अब्दुल समद, दो थे। ठीक ना, अब्दुल समद। एक चीज ध्यान देना, अब्दुल समद को अकबर ने जो है मुल्तान का
दीवान बनाया था, एक बार नोट कर लीजिए, ये पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, मुल्तान का दीवान बनाया, ये पूछा था किस चित्रकार को मुल्तान को दीवान बनाया गया, बनाया था अकबर ने, अब्दुल समद को बनाया था। 17 चित्रकार थे जिसमें 13 हिंदू थे, ठीक ना, मंसूर साबिरन सारस का चित्र बनाया था, मीर हसन महत्वपूर्ण चित्रकार, और एक था दसवंत जो कहार जाति का था, छवि चित्र बनाता था, मंसूर का लिख लो। मंसूर ने साइबेरियन सारस बनाया, साइबेरियन सारस का चित्र कई बार पूछ चुका है। साइबेरियन सारस का चित्र बनाया, ठीक ना, बहुत फेमस चित्र दसवंत, कहार जाति का था। इसने आत्महत्या कर लिया था, ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कि अकबर कालीन किस चित्रकार ने आत्महत्या किया, दसवंत ने किया, विक्षिप्त हो गया था, पागल होकर के दीवारों पर बढ़िया छवि चित्र बनाता था, ठीक ना। और चित्रकला का मेन जब आएगा जहांगीर, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि वो कहा था बहुत पारखी था चित्रकला के क्षेत्र में, मनसबदारी भी उस पर चर्चा हो चुका है, राजपूत नीति पर चर्चा हो चुका है, युद्ध नीति पर हो चुका है अकबर के, सामाजिक सुधार पर चर्चा हो चुका है। अब आ रहा हूं आस्तो जी, राधे राधे, अब आ रहा हूं अकबर द्वारा बनाए हुए किले, अकबर ने 5 किले बनाए, 1, 2, 3, 4, 5। पहला आगरा का किला, दूसरा फतेहपुर सिकरी, तीसरा प्रयागराज का किला, इलाहाबाद उसमें कहा जाता था, आज भी है संगम किनारे, सभी किले हैं, चौथा अटक का किला, चौथा पांचवा लाहौर का किला, ये 4 किले अकबर के, नोट कर लीजिए। 1584 में अकबर लाहौर में रहने लगा था जी, फतेहपुर सिकरी में पानी की समस्या हो गई थी, सलीम जो है प्रयागराज में रहता था, यही अफीम पीता था, पड़ा था यही प्रयागराज में सलीम, ठीक ना, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक ना, अकबर द्वारा बनाया हुआ पुल आज भी सुरक्षित है, जिसे शाही पुल कहा जाता है आपके जौनपुर में, नोट कर लीजिए, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। द्वारा बनवाया हुआ पुल
पुल, शाही पुल जौनपुर में, किस नदी पे है? गोमती नदी पर। किसने बनवाया था? अकबर के मंत्री मंत्री मतलब सिपा सालार उसमें का मुनीम खां, मुनीम खां ने बनवाया। राधे राधे। ठीक ना, अकबर का मकबरा, मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदरा कोस्ट में, आगरा लिख सकते हो, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, नोट कर लीजिए। इसको पूरा जहांगीर ने किया था, बहुत सलीम बना हुआ है। इस मकबरे को राजा राम जाट ने लूटा था, एक बात ध्यान देना। राजा राम जाट ने लूटा और कब्र खोद करके अकबर के हड्डी को जला दिया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। बूंदी, भरतपुर, डींग, ये जाटों का क्षेत्र था। सूरजमल, पदन सिंह, ये सब जाट राजा थे। तो अपने क्षेत्र में महारत हासिल था इन राजाओं का। हाँ आयुष, और बच्चे कैसे हो? पढ़ रहे हो? नोट करो पॉइंट्स। आप अभिषेक जी रीजनिंग चलेगा अभी, जस्ट 10 मिनट बाद रीजनिंग चालू हो जाएगा, एक नए चैप्टर घन घन आपके साथ, बने रहिएगा, बस तुरंत आ रहे हैं इसी के बाद रीजनिंग लेकर के। और आयुष सब बढ़िया, खुशी से भी कह दो पढ़े, ठीक ना। नोट कर लो, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, राजा राम जाट ने लूटा, अकबर के हड्डी को जला दिया, ठीक ना। अगला पॉइंट जो आ रहा है आपका, कि 1604 ईस्वी में जहांगीर ने बगावत कर दिया, बगावत की, मुगल सेना ने उसे बंदी बनाया, अकबर के सामने लाया गया, अकबर ने उसके मित्र कहने पर माफ कर दिया, क्योंकि एक ही बचा था, दो पुत्र पहले ही गुजर चुके थे अत्यधिक शराब सेवन के कारण। राज फिच ने लिखा है कि पिता पिता कह के 3 बार गले लगा सलीम और माफी मांगी, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु जहांगीर शासक बना।
आयो उस रिकॉर्ड करो, सब चेक करो, अभी रीजनिंग पढ़ाएंगे वो सब देखना। ठीक ना, जीएस पे एकदम लगे रहो एक एक तथ्यों के साथ, बाकी खोल के बाकी जो नहीं पढ़े वो भी नोट कर लो सब, संविधान का और हिस्ट्री का सब। ठीक ना, खत्म हो जाएगा आगे भूगोल आपको सब, साइंस और अन्य चीजें आपको पर्यावरण सब पढ़ाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना और गद्दी पर बैठते ही 12 घोषणाएं की, 12 शासनादेश जारी किया। पूछता है परीक्षाओं में, ध्यान देना, 12 घोषणाएं की गद्दी पर बैठते ही। ठीक ना, 12 घोषणाएं गद्दी पर बैठते ही जारी किया उसने। ठीक है, इसके बाद 1606 में, 1606 में बड़ा पुत्र खुसरो, लिख सकते हो, जहां गीर का बड़ा पुत्र खुसरो था, गोंदावल गया, गोंदावल पंजाब में है, गोंदावल, गोंदावल गया और अर्जुन देव से का पैर छुआ, अर्जुन पांचवें गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव, का पैर छुआ था। आशीर्वाद लिया, कबूतर उड़ के चला गया था, वही गया था, देखा उसको, इच्छा किया, लगा एक इस पर जहांगीर ने खुसरो को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया और अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया, पांचवें गुरु। मृत्यु दंड यानी फांसी, बहुत ही दर्दनाक मौत। इनके अनुयायियों को जो है कहा इस्लाम स्वीकार करो, जलते हुए कड़ाही के तेल में जो है डाला गया, निकाला गया, बहुत यातनाएं देकर मृत्यु दी गई। और किसने फांसी दिया? चंदू शाह ने फांसी दिया था, नोट कर लीजिए। चंदू शाह ने फांसी दिया था, ठीक ना। आज के लिए रोकते हैं, रीजनिंग क्लास चलेगा इसी के बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।